हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं रुखसारा। आज के इस वीडियो में आपके साथ रेमेडी शेयर करने वाली हूँ, बहुत ही इफेक्टिव। अब बताइए किस लिए? ये होठों के आसपास जो होते हैं हमारे, काले काले पड़ जाते हैं ना, देखने में बहुत ही खराब लगता है, पिगमेंटेड हो जाते हैं, हमारे माउथ के अराउंड ब्लैक ब्लैक सा हो जाता है ना। तो ये सब सबसे बड़ा कारण है माउथ के पास काला होने का, हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम। हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम की वजह से हमारे होठों के आसपास है ना काले होने लगते हैं, धब्बे पड़ने लगते हैं, अनइवन स्किन हो जाता है। और दूसरा कारण है धूप, यानी कि सन एक्सपोजर। सन एक्सपोजर की वजह से भी हमारे होठों के आसपास काले होने लगते हैं, यानी कि अगर हम लोग धूप में बाहर निकलते हैं और सनस्क्रीन का यूज नहीं करते हैं, अप्लाई नहीं करते, तो इस वजह से भी हमारे होठों के आसपास काले होने लगते हैं। और हमारा तीसरा कारण है मेडिसिन, यानी कि हम लोग बहुत ज्यादा मेडिसिन यानी दवा खाते हैं, तो उस वजह से भी हमारे पेट की गर्मी से हमारे होठों के आसपास है ना काले होने लगते हैं, अनइवन स्किन हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में आपके साथ ऐसी रेमेडी शेयर कर रही हूँ जिसको आप यूज करके अपने काले, अपने होठों के आसपास काले जो हो गए हैं वो उसे रिमूव कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं फिर से। तो ये बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है, आप इसे जरूर अप्लाई करके देखें। और चलिए तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वो रेमेडी क्या है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो आपके लिए जरा भी हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ ली हूँ एलोवेरा लीव्स, आपको इसे से हाफ कट कर लें और उसमें आपको हाफ टीस्पून हल्दी ऐड कर लेना है और अपने माउथ के अराउंड इस तरह से 3 से 4 मिनट के लिए आपको इस तरह से मसाज करना है, हल्के हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में हल्के हल्के मसाज कर लेना है। आपको इसे देखिएगा, आपके जितने भी ब्लैक ब्लैक हो गए हैं होठों के पास, काले धब्बे हो गए, वो धीरे धीरे लाइट होने लगते हैं, क्योंकि एलोवेरा बहुत ही इफेक्टिव होता है, आपके जितने भी ब्लैक डार्कनेस है वो उसे रिड्यूस करता है। आप इसे 5 से 10 मिनट तक लगे रहने दें इसी एलोवेरा जेल को, और उसके बाद ठंडे पानी से अपने फेस को वॉश कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं पहली अप्लाई में कितना डिफरेंट आया। ली हूँ एक आलू, उसे ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट करके इसका आलू का रस निकाल लेना है। आपको 2 चम्मच आलू का रस लेना है और आपको 1 टेबल स्पून टमाटो जूस लेना है और 1 टेबल स्पून आपको ग्राम फ्लोर यानी कि बेसन लेना है। और इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून हल्दी। सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लें और ये हो गया हमारा बढ़िया सा पैक रेडी। इस पैक को अप्लाई करने से पहले अपने फेस को अच्छी तरह से क्लीन कर लें। मैं इसमें ऐड की हूँ आलू, जो कि बहुत अच्छा लाइटिंग एजेंट की तरह काम करता है, आपकी डार्क स्किन को फेयर करता है, दाग धब्बे को रिड्यूस करता है। और इसमें मैं ऐड की हूँ टमाटर का रस। टमाटर में भरपूर मात्रा में विटामिन सी होते हैं जो आपके डार्क स्किन को फेयर करते हैं, लाइट करते हैं। और मैं इसमें ऐड की हूँ बेसन। बेसन भी बहुत अच्छा क्लींजर का काम करता है, आपकी स्किन को कॉम्प्लेक्शन को फेयर करता है, दाग धब्बे को रिड्यूस करता है। इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स मैं यूज़ की हूँ सारे के सारे आपके कॉम्प्लेक्शन को फेयर करते हैं, आपकी दाग धब्बे को रिड्यूस करते हैं, ये बहुत इफेक्टिव है। आपको इस तरह से आपको 15 मिनट तक लगे रहने देना है, उसके बाद आपको ठंडे पानी से अपने फेस को वॉश कर लेना है। और आप देख सकते हैं पहली अप्लाई में कितना बेस्ट रिजल्ट आया है। अगर हफ्ते में अगर आप इसे 2 बार अप्लाई करती हैं अपने फेस पे तो धीरे धीरे आपके जितने भी दाग धब्बे वो रिड्यूस होने लगेंगे। आई होप आपको मेरा यूट्यूब पसंद आया होगा, अगर आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। चलिए फिर बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।